राज्य में ओबीसी वर्ग को 21%, एमबीसी वर्ग को 5% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन पीएसपी के ओबीसी एमबीसी को उक्त आरक्षण तत्काल भर्तियों में नहीं दिया जा रहा। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय दांगी संघ द्वारा मांगे रखी गई। जिस तरह का आरक्षण ओबीसी तथा डीएसपी वर्ग को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, जो टीएसपी क्षेत्र के ओबीसी तथा एमबीसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उदयपुर गिरवा के ग्रामीण टीएसपी तथा झाड़ोल के ओबीसी वर्ग को 5% आरक्षण दिलवाने के लिए अखिल भारतीय डांगी संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मैं विष्णु पटेल, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय डांगी संघ, आज हम जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं। ज्ञापन में हम मांग कर रहे हैं कि उदयपुर के अंदर गिरवा तहसील और ये झाड़ोल तहसील, जहाँ टीएसपी क्षेत्र है, यहाँ पर ओबीसी को बिल्कुल भी आरक्षण नहीं है, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में ओबीसी को 21%, एमबीसी को 5% आरक्षण है, लेकिन इन दोनों तहसीलों में इस तरह से वंचित रखा गया है कि कोई भी छात्र अगर 60-70% लाता है और यहाँ पर दूसरे क्षेत्रों में जैसे 59% कट ऑफ गई है, वहाँ उसको नौकरी मिल रही है और यहाँ बिल्कुल यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। तो एक तरह से यहाँ पर सामान्य में इनको ओबीसी वर्ग को डाल दिया गया है, जो कि सामान्य में डाला, इनके साथ कठोराघात हो रहा पूरे राजस्थान के अंदर। ये चार जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर की ये दो तहसीलें, जबकि सराड़ा सलूम्बर को ये आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उदयपुर की ये दो तहसीलों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है सरकारों का जो ये आरक्षण नहीं मिल रहा है। यहाँ का युवा बहुत भटकाव की स्थिति में है, इसलिए आज हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्दी चंद जी डांगी के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को, अशोक कुमार जी को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इसको तुरंत सुधार किया जाए और उस क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए, अन्यथा समाजें जो हमारे ओबीसी वर्ग की बरियासी समाजें हैं मिलकर इसमें आंदोलन करेगी।